हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ मेरा किचन टूर शेयर करने वाली हूँ। काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी किचन टूर शेयर करने के लिए। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ किचन टूर शेयर नहीं कर पा रही थी और मुझे कुछ चेंजेस भी करने थे अपने किचन में, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो चेंजेस करने के बाद ही आपके साथ किचन टूर शेयर कर दिया जाए। तो मैंने वो चेंजेस कर दिए हैं अपने किचन में, और जो मैंने किचन में चेंजेस किया है आई होप आपको अच्छे लगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्हें तो पता ही होगा कि मेरा किचन कैसा है, और अंदर का नहीं पता है आपको। और मैंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, और ट्रॉलीज वगैरह में क्या है, क्या मैंने रखा है, मैंने किस तरह से मेरा किचन ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों को नहीं पता है। इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दिया जाए मेरा किचन कैसा है और मैंने किस तरह से किचन को ऑर्गेनाइज किया है। आई होप जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आपको पसंद आए। तो चलिए फिर ज्यादा बात ना करते हुए देखते हैं मेरा किचन कैसा है। सो गाइस, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं किचन में, तो यहाँ पर दिखते हैं फोटोज़, भगवान के फोटोज़ यहाँ पर लगे हैं वॉल पे। और उसके बाद आते हैं इस साइड में, तो इस साइड में मेरा डाइनिंग है, फोर सीटर डाइनिंग है। और ये गाइस ये ग्लास है, आपको ऐसे लग रहा होगा मार्बल। और उसके बाद यहाँ पर मैंने खाना बना के रखा था, तो जस्ट मैंने खाना बनाया है और उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा है खाना रखा, तो इसमें हॉटकेस में रोटियां हैं, सॉरी ये ओपन नहीं हो रहा। इसमें है सेव की सब्जी, और इसमें है राइस, और इसमें है दाल। तो ये यहाँ पर रखे हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में खाना खा ही लेंगे। और इसमें है रोटियां। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखा है, एक्चुअली ये जब नहीं रहता है, ये खाना बनने के बाद ही यहाँ पर आते हैं बर्तन, और उसके बाद ये ट्रे यहाँ पर हमेशा के लिए रहता है। तो ये ट्रे में दो तरह के अचार रखे हैं, और इसमें रखा है एक सॉल्ट का कंटेनर, और ये यहाँ पर है मेरा पीनट बटर। तो यहाँ पर मैं ब्रेड बना के लाती हूँ और यहाँ पर ही मैं पीनट बटर लगा के खाती हूँ। तो जस्ट उसके ऊपर है ए वाली शेल्फ, वो उसमें मैंने रखे हैं कुछ ऐसे ही रैंडम से चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने कुछ नमकीन रखे हैं, नमकीन बिस्किट्स लड्डू, और ये ऐसे ही कंटेनर रखे हैं। ग्रीन टी मैंने यहाँ पर रखी है, और ये दिवाली के कैंडल्स यहाँ पर लाए थे तो वो यहाँ पर है। ये ऐसे ही ग्लास रखे हैं, और यहाँ पर है पापड़ मेरे, तो ये इसमें रखे हैं कुछ। और ये ग्रीन टी यहाँ पर इसीलिए है कि मैं पानी गर्म करके यहाँ पर लाती हूँ और टी बैग यहाँ से ही निकालती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर रखी है। और उसके जस्ट ऊपर मैंने ये वाली साइकिल रखी है, तो ये मैंने अमेजोन से परचेज़ की है। आपने अगर मेरा अमेजोन वाला हॉल देखा है, होम डेकोर वाला, तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और यहाँ पर है बटन, तो जस्ट उसके ऊपर ये वॉल फैन लगाया हुआ है हमने, तो ये इस तरह से अगर घूमता है तो ये पूरा डाइनिंग के ऊपर हवा देता है। और यहाँ पर टेक्सचर पेंट लगवाया है, तो ये कुछ इस तरह से है, टेक्सचर किया हुआ है। मेरी जो किचन की थीम है गाइज, वो है पिस्ता ग्रीन कलर एंड वाइट कलर की, तो आपको सारा इसमें एक पिस्ता ग्रीन कलर एंड वाइट कलर का ही दिखेगा। तो फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये डोर है, तो इधर से अंदर स्टोर रूम है, और यहाँ पर मैंने जस्ट सामने मंदिर रखा है। स्टोर रूम की भी झलक आपको दिखा देती हूँ, तो स्टोर रूम कुछ इस तरह से है। अभी मुझे इस पर डोर लगवाने हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा काम स्टोर रूम का भी करवाना है। इस तरह से मेरी स्टोर रूम है, और यहाँ पर प्याज आलू और वो स्टैंड रखा है मैंने, और यहाँ पर कोठिया रखी है ये वाली, और जस्ट सामने ये मंदिर है। तो ये है स्टोर रूम का लुक। उसके जस्ट बगल में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने दो एप्रन रखे हैं कुछ इस तरह से, और ये है पीछे एक कैलेंडर जो मुझे हमेशा डेट याद रखवाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर एप्रन रखे हैं। ये है विंडो, इस विंडो में इस तरह के कर्टन्स लगाए हैं हमने, तो ये भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं, और ये भी ग्रीन कलर में ही है। और यह जस्ट यहाँ पर है फ्रिज हमारा, तो फ्रिज के जस्ट ऊपर हमने ये स्टिकर लगाया है, और बस उसके ऊपर ये इस तरह का मैट रखा है, और उसके ऊपर ये सोप सुपारी वगैरह रखने के लिए एक वो है कंटेनर है, और उसके जस्ट ऊपर हमने एक वास रखा है। और ये साइड में जो है आप देख सकते हो, तो ये है पेपर एंड पेन, मतलब कुछ लिखने के लिए जो ख़त्म हो गया है, तो अगर वो याद नहीं रहता है तो वो लिखने के लिए
वहाँ पर है। और ये है फ्रिज, अभी मैं फ्रिज खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको क्योंकि फ्रिज का टूर और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आने वाला है इसी वजह से। और उसके बाद जस्ट इधर आते हैं तो यहाँ पर ये कोने में हमने रखा है एक वास, और उसमें हमने रखे हैं ये स्टिक्स, फ्लावर स्टिक्स, और उसके जस्ट ऊपर भी इस तरह के स्टिकर्स लगाए हैं। पहले मेरे किचन का लुक दिखा देती हूँ आपको, कुछ इस तरह से है मेरा पूरा किचन। और अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हो तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा मेरा किचन किस तरह से है और मैंने क्या क्या चेंजेस उसमें किए हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लंबी सी शेल्फ है, तो उसके यहाँ पर मैंने रखा है ये माइक्रोवेव मेरा, और उसके जस्ट ऊपर मैंने रखा है ये मेरा ब्राउन ब्रेड मुझे जो डेली लगता है, और फिर मैंने रखे हैं ये तीन कंटेनर मतलब ग्लास के, तो उसमें काजू, बादाम और पिस्ता रहता है, ये हमेशा ही आपको दिखेगा यहाँ पे। और उसके जस्ट पीछे मैंने ट्रे रखा है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये वाला ड्रावर है, तो इस वाले ड्रावर में मैंने रखा है कुछ मतलब रैंडम से चीज़ें हैं और कुछ मेडिसिंस है जो बच्चों को देनी पड़ती है, तो खाना खाने के बाद बच्चे तुरंत यहाँ पर ले लेते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि जो मेडिसिंस है वो किचन में नहीं रखनी चाहिए, बट किचन में रखने से मैंने ड्रॉअर में रखी है गाइज, और ड्रॉअर में इसलिए रखी है यहाँ पर ताकि मुझे याद रहे अगर बच्चों को तबीयत ख़राब हो, अगर बच्चों को देना हो तो मुझे याद रहे कि यहाँ पर मेडिसिन है और मुझे उनको देनी है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो इस ड्रावर में मैंने रखे हैं कुछ नॉनस्टिक के बर्तन मेरे, दो नॉनस्टिक के और कुकर है तो वो मैंने वॉश करने के लिए रखे हैं तो इसी वजह से। और यहाँ पर एक कुकर रखा है, एक कुकर, दो कुकर रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे कढ़ाइयाँ रखी है, नॉनस्टिक पैन्स रखे हैं, दो नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, तवा रखे हैं, दो नॉनस्टिक तवे रखे हैं, और ये एक ये है तड़का पैन। तो कुछ इस तरह से इसका ये वाले शेल्फ का नीचे का लुक है। और उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो उसके ऊपर भी एक शेल्फ है, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे ही मेरे जो मास्टर एंड टिप्स के लिए DIY बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो मैंने यहाँ पर रखी है, और इनकी दवाइयाँ वगैरह यहाँ पर है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर है। और नीचे पीछे जो दिख रहा है वो आपको जूसर है, तो ये सारी चीज़ें, और ये जो बास्केट आपको दिख रही है तो वो बास्केट में भी सारी इनकी दवाइयाँ हैं, मतलब क्या बोलते हैं तो उसे वो रामदेव बाबा की सारी दवाइयाँ हैं जो ये लेते हैं, मतलब एलोवेरा जूस एंड ऑल सारी चीज़ें लेना बहुत पसंद है इन्हें, तो इस तरह से। और ये ऊपर वाली शेल्फ में आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, इसमें ऐसी ही चीज़ें मैंने रखी हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर, और गाइज मेरा जो किचन का स्लैब है वो सी शेप में है, आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हो सी शेप में है। एक्चुअली ये पहले एल शेप में था, तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा लगवाया है यहाँ पे तो मैंने सी में बनाया है अभी, और इसके नीचे भी डोर्स लगवाए हैं। तो इसके जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मैंने रखा है पेपर टॉवल, और ये भी मैंने स्टैंड अमेजोन से परचेस किया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, और ये स्टिकर्स भी मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपने अमेजोन वाला हॉल अगर देखा है तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ गाइज देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे आइटम मैंने वहाँ पर परचेस किए थे और उस टाइम आपसे शेयर किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो का। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे कंटेनर रखे हैं, ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं, और इसमें कुछ लौंग, इलायची, ये काला नमक, और यहाँ पर है ये मेथी दाना, और यहाँ पर इलायची है, यहाँ पर मैंने अपना कटर रखा है, यहाँ पर मैंने रखा है अपना टोस्टर, और जस्ट इसके कोने में है ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया है, ये है फॉइल पेपर कटर, तो इस तरह से हैंग करने के लिए होता है, यहाँ पर जो आपको दांत दिख रहा है ये नोकीले, तो इससे फॉइल पेपर कट होता है। और उसके जस्ट ऊपर आते हैं तो यहाँ पर है ये दो शेल्फ, यहाँ पर मैंने अपनी क्रॉकरी रखी है, तो ये ओपन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये भी मैंने, ये जो बर्निया आप देख रहे हो ये भी मैंने अमेजोन से परचेस की है, और
आप देख सकते हो इसमें मैंने दालें वगैरह मूंगफली सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। और उसके पीछे जस्ट पीछे ऊपर वाले शेल्फ में मैंने कुछ कटोरियाँ रखी हैं, जो ग्लास के बोल रहते हैं वो रखे हैं। पीछे भी यहाँ पर बड़े वाले ग्लास के बोल हैं। और इस तरह से है कि ये 6 का सेट है और ये छोटे वाले 6 का सेट है, तो इसमें 4 ही आया है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर 2 रखे हैं इसके। तो ये हो गया फर्स्ट शेल्फ हमारा। फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो ये है सेकंड। जो भी वैरायटी के ग्लासेस हैं मेरे पास, तो वो मैंने इसमें रखे हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, तो इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर मैंने रखा है ये मेरा मिक्सर ग्राइंडर। और उसके बाद मैंने ये जार रखा है, उसमें मैं पानी भर के रखती हूँ ताकि कुकिंग में यूज़ हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है ये एक बास्केट, और उसमें मैंने रखे हैं ऑयल कंटेनर। ये दूसरा ऑयल कंटेनर, मतलब ये है कोकोनट ऑयल का, जो मैं अपने कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ वेट लॉस के लिए। और उसके बाद ये है नमक। और उसके बाद आते हैं ये स्पून स्टैंड पे, तो इसमें मैंने कुछ क्या बोलते हैं नाइफ रखे हैं, यहाँ पर फोक्स रखे हैं, यहाँ पर स्पून रखे हैं, और ये है पिलर। तो ये है, उसके बाद यहाँ पर एक स्टैंड रखा है, तो वो कुछ गर्म चीज़ें रखने के लिए है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो ये वाली शेल्फ में मैंने जितने भी वैरायटी के मेरे पास कप है, तो वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके पीछे भी है एक्चुअली। और यहाँ पर मग रखे हैं 2। तो ये वाली शेल्फ कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं गैस की तरफ। तो ये वाला मेरा सनफ्लेम का गैस है। आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी कंपनी का गैस है, तो ये वाला सनफ्लेम का गैस है, 4 बर्नर का। तो इस तरह से है। और उसके जस्ट ऊपर मैंने ये चिमनी लगवाई है, तो ये है टर्बो एयर की। आप पूछोगे कौन सी चिमनी है, तो इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको, टर्बो एयर की चिमनी है। और इस तरह से है ये चिमनी। और उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टैंड लगवाया है, और उसके ऊपर एक लाइटर रहता है। उसके बाद कॉफ़ी रहती है, शुगर, टी, कॉफ़ी, और ये चाय मसाला यहाँ पर रहता है। तो ये चाय की सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ट्रे रखा है, और उसमें ये घी का कंटेनर है और ये ऑयल का कंटेनर है। तो ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक किसनी रखी है, जो मुझे अदरक किसने में काम आती है। और यहाँ पर ये ट्रे में इसलिए रखा है ताकि मैं क्लीन करने के टाइम, सारी चीज़ें मैंने ट्रे में इसलिए रखी है कि क्लीन करने के टाइम आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप क्लीन करने जाओगे तो एक एक चीज़ें आपको उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप ऐसे उठाओगे तो जल्दी से आपको क्लीन करने में परेशानी नहीं होगी बिल्कुल, और जल्दी से आपका क्लीन हो जाएगा गैस का स्लैब। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा है, ये माइक्रोवेव में आया था, तो उसके ऊपर जस्ट मैंने ये स्पाइस कंटेनर रखा है, और ये इस तरह से कोने में रहता है। उसके बाद यहाँ पर मेरा ये स्टैंड रहता है, उसमें मैं कप्स धो के रखती हूँ, और उसके बाद मैं धोने के बाद जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद मैं लगा देती हूँ अपनी जगह पे। उसके बाद ये ऐसे स्टैंड रखा है जो गर्म चीज़ें होती है वो रखने के लिए। और उसके जस्ट ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर एक शेल्फ है उस वाले की तरह ही, तो इसमें मैंने रखा है ये अपना हनी। ये 2 बॉटल है हनी की, पीछे भी एक बॉटल है हनी की, 2 बॉटलें हनी की हैं। उसके बाद एक जार है, ये शेकर है। इसके बाद वो जो कप है उसकी प्लेट्स है ऊपर। तो इस तरह से ये भी ग्लास की चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक मैंने स्क्रबर और ये ऐसे ही रखा है ताकि मैं लिक्विड ले पाऊँ उसमें, और जब मैं जो बर्तन वॉश करने हो तो उसमें ही मैं बर्तन वॉश कर पाऊँ अच्छे से। उसके बाद ये स्टैंड लगवाया है, तो इस पर मैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ हैंकी, तो वो मैं इस पर डालती हूँ सूखने के लिए। और हाँ, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे कि एक ही हैंकी से आप मतलब सारी चीज़ें क्लीन करती हो, तो नहीं गाइज, मेरे पास बहुत सारे कलर के, मतलब एक ऑरेंज, एक पिंक एंड ग्रीन कलर के 2-2 हैंकी है। तो इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जो भी आता है तो वो मैं ले लेती हूँ, इसी वजह से आपको लगता है कि मैं एक ही हैंकी से वॉश करती हूँ, मतलब क्लीन करती हूँ।
उसके बाद ये यहाँ पर फिल्टर लगाया है तो इस तरह से है। उसके बाद जस्ट मैंने अभी खाना बनाया था तो जो बर्तन निकले थे तो वो मैंने यहाँ पर वॉश करके रखे हैं। तो ये है बर्तन का स्टैंड। अभी आते हैं ट्रॉलीज पे, तो यहाँ पर नीचे जो भी रखा है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर डोर्स है सिर्फ, ट्रॉलीज नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हैं यहाँ पे। यहाँ पर मैंने इडली का स्टैंड रखा है, ये कढ़ाई रखी है, एक मेरे पास जो कुकर था पुराना वो रखा है, ये मैं नॉनवेज वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ तो इसी वजह से। और यहाँ पर रखा है ये आटे का कंटेनर, उसके बाद ये चकले है दो मेरे पास, और ये छन्नी है, उसके बाद ये दो कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है इसमें मैंने जो दालें होती है मतलब स्प्राउट्स बनाने के लिए सारा मिक्स करके, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि मैं मिक्स करके रख देती हूँ एक कंटेनर में, और वो फिर जब भिगोने के लिए डालना पड़ता है तो इजी होता है भिगोने के लिए डालने के लिए, तो इसी वजह से मैं साथ में मिक्स करके रख देती हूँ। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कढ़ाई रखी है, मिक्सी का पॉट है, उसके बाद ये ढोकला बनाने के कंटेनर है। यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये ऑयल का टीन है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जगह बची है, मुझे कुछ रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कंटेनर है और बॉटल्स रखी है मैंने यहाँ पे, और ये राइस का कंटेनर है बड़ा सा, और यहाँ पर बहुत सारा सामान आ जाएगा इस तरह से। फिर लगती है ट्रॉलीज, तो ट्रॉलीज में एक एक खुल के आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट ट्रॉली में मैंने रखा है ये कटलरी, तो यहाँ जो नॉनस्टिक वाले स्पून होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं जो नॉनस्टिक के बर्तन में यूज़ होते हैं। उसके बाद ये ऐसी ही रही है, उसके बाद ये बेलन, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है इस तरह से, ये कूटने के लिए, और ये फिर ये रोटी सेकने के लिए, ये कैची धनिया वगैरह काटने के लिए, विस्कर, और ये नींबू का रस निकालने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे मैंने सारी प्लेट्स रखी हैं, जो छोटी छोटी प्लेट्स होती है वो रखी है, और यहाँ पर सारी कटोरियाँ रखी है, और स्टील के दो ट्रे यहाँ पर रखे हैं, और उसमें एक टिफ़िन है छोटा सा जो कभी भी यूज़ होता है। और फिर नीचे वाले ड्रॉअर में आते हैं तो यहाँ पर मेरे सारे बड़े वाले थाली है, छोटे प्लेट्स है जो मैं नाश्ते के लिए यूज़ करती हूँ, और ये वाले जो प्लेट्स हैं जो खाने वाले होते हैं वो भी हैं। तो इस तरह से ये वाले ड्रॉवर हैं। फिर ये वाला लंबा शेल्फ है, तो इसमें दाल चावल और खिचड़ी वाले जो कंटेनर है वो है इसमें, और मेरे ब्राउन राइस है इसमें, और इसमें तुअर की दाल है, इसमें मसूर की दाल है, इसमें चावल है, यहाँ पर हींग रखा है, यहाँ पर ऐसे ही कंटेनर रखे हैं, और नीचे भी घी वगैरह के कंटेनर रखे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें मैंने रखा है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही रखे हैं कुछ कंटेनर जो मुझे कुछ निकालने में काम आते हैं, जैसे सब्जी वगैरह जो चीज़ें हो वो निकालने में काम आते हैं, यहाँ पर टिफ़िन वगैरह रखे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर ग्लासेस रखे हैं सारे, और उसके बाद ऐसी ही ये फाइबर की कटोरियाँ हैं, और ये फाइबर के सर्विंग बोल्स हैं। उसके बाद आते हैं ये नीचे वाले ड्रावर में, तो नीचे वाले ड्रावर में भी ये केटली है, पतीले हैं, और ये जो क्या बोलते हैं तो इसे किसनी है, ये सारी चीज़ें इसमें रखी हैं। और यहाँ पर मैंने एक मेट रखा है ताकि जो भी गंदे पैर हो तो वो इधर उधर ना लगे, और फ्लोर पे मेट से पोछा जाए। और फिर ये स्टैंड लगवाया है यहाँ पे, और उसमें मैंने ये टॉवल रखे हैं ताकि मैं हैंड वॉश करूँ तो ये टॉवल से पोछूँ, हैंड टॉवल रखे हैं, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है। उसके बाद ये वाले डोर में मैंने ये वाला स्टैंड लगवाया है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है, और यहाँ पर एक डस्टबिन रखी है, इसके अंदर दो सिलेंडर है सिर्फ, और ये वाली डस्टबिन है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है।
यहाँ पर बेसिन के नीचे वाला सेक्शन है, और ये तार जो आप देख रहे हो, जब बेसिन चॉकअप होता है तो मैं तार से करती हूँ थोड़ा सा क्लीन उसे, और उसके बाद यहाँ पर आते हैं। तो ये वाला स्टैंड भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है, अपने हॉल में देखा ही होगा, तो ये मैंने यहाँ पर लगवाया है। यहाँ पर सारी चीज़ें रखी हैं, मतलब क्लीनिंग की। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं बेसिन के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करती हूँ, तो बेसिन के लिए गाइज ये कॉलिंग यूज़ करती हूँ मैं, और फिर ये है मिस्टर मसल गैस के लिए, फिर ये है कॉलिन जो हम कुछ काँच वाच की चीज़ें, डाइनिंग का काँच वगैरह पोछना हो तो उसके लिए, और ये है लिक्विड डिश वॉशर। यहाँ पर मैंने ये नहीं रखा है गाइज, मतलब शैम्पू नहीं है, ये लिक्विड डिश वॉशर मैंने यहाँ पर रखा है, तो वो शैम्पू की बॉटल ख़त्म हो गई थी इसी वजह से इसमें मैंने डाल के रखा है। और उसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने ये पीताम्बरी का डिब्बा रखा है, उसमें मैंने पीताम्बरी भर के रखी है। ये स्क्रबर है जो लोहे का होता है। यहाँ पर ये ब्रश है, वाइपर है, और बॉटल वॉश करने वाला ब्रश है, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक छोटा सा कुकर रखा है, और ये छन्नी वगैरह रखी है जिसमें मैं पोहा वॉश करती हूँ, या सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह वॉश करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर रखी है ये वाली, और इसके नीचे भी एक वैसी ही छन्नी है। और यहाँ पर एक छोटा सा हॉटकेस है जिसमें सब्जी वगैरह निकाल के रख सकते हैं फ्रिज में, माइक्रोवेव सेफ है वो। और ये यहाँ पर एक छोटा सा टिफ़िन है, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर रखा है। और उसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक तांबे का जार रखा है, उसके बाद ये मीट वगैरह वॉश करने के लिए ये जो टोकरी है वो रखी है, ये दाल वॉश करने के लिए टोकरी है वो रखी है, और ऐसी ही बर्नियाँ रखी हैं यहाँ पे। तो ये है लास्ट ड्रावर अपना, और आपने देख ही लिया कि, और यहाँ पर है बर्तन वॉश करके रखने के लिए जो स्टैंड होता है वो रखा है। और फिर उसके बाद इस तरह से जो है वो मेरा फाइनल लुक है किचन का गाइज, आप देख सकते हो, यह है मेरा किचन का फाइनल लुक। आई होप गाइज मेरा किचन आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और जो भी मेरे किचन में चीजें हैं वो मैंने डीमार्ट से या अमेजोन से परचेस की है, अगर आपको वो चीजें परचेस करनी है तो डीमार्ट का लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, बट अमेजोन का लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, अमेजोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसपे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियो, हॉल वीडियो, मेकअप वीडियो इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दोनों चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।